ये आपकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगी कि बहनों के बीच कितना तालमेल है। ओके, आपका टाइम समाप्त हो गया है। यहाँ पर मोहक लिखा है और आपने क्या लिखा? कन्नू। कन्नू। कौन है ये कन्नू और मोहक? कन्नू मेरी डॉटर है, मोहक इसके फियांसे हैं। आप अपने फियांसे का नाम महसूस नहीं कर पाई? नहीं, अभी नहीं हुआ। वेरी नाइस। लेकिन यहाँ कंपेटिबिलिटी में आप मार खा गए। पता ही नहीं लगा कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप दिया को तो जानते ही होंगे, आप ये झुकी झुकी सी नज़र ज़रूर देखते होंगे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर हैं ताकि आप देख सकें स्वाति राजपूत की लाइफ के बारे में। स्वाति की शुरुआत होती है सूरज की पहली किरण के साथ, और इस वक्त मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अपने जिम के बाहर हूँ और अंदर जाने वाली हूँ वर्कआउट करने के लिए। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? सो ये शुभम है और ये मेरे ट्रेनर हैं। इस वक्त शुभम से जानते हैं कि वो क्या आज वर्कआउट कराने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कोर एंड अपर बॉडी। कोर एंड अपर बॉडी मतलब कि बहुत दर्द होने वाला है आज। जिम के सामने ही ये सुपरमार्केट है जहाँ से मुझे सुबह सुबह जल्दी जल्दी अगर कुछ पिकअप करना होता है तो मैं यहीं पर आती हूँ। मैं आई तो यहाँ पर ब्रेड ले ली थी और मैं ऑलरेडी तीन चीज़ें ले चुकी हूँ, अभी मुझे लग रहा है मैं एक दो चीज़ें और उठा लूँगी। शॉपिंग डन, अब हम जाएंगे घर की तरफ जहाँ पर जाके हम गर्मा गर्म नाश्ता कर सकें। तो मैं फटाफट से फ्रेशन अप होके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेरा हैप्पी प्लेस, मेरे घर का सबसे खूबसूरत कॉर्नर जो मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास ये सिंगिंग बोल है जो कि अभी अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत नए नए मिलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत साल पुराना है। इसके साउंड क्रिएट करती हूँ तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग। ये
ये मैंने स्पेशली अपने बुक्स के लिए बनाया, जहाँ पर बैठ के मैं किताबें पढ़ सकूँ। ये किताब मेरी बड़ी सुंदर सी किताब है, इसलिए इसको मैंने, मुझे डिस्प्ले में रखना बड़ा अच्छा लगता है। इसमें दो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनके लेटर्स हैं, और इसको बनाया बड़ा खूबसूरती से गया है। बैल्कनी है, और मेरी बैल्कनी में ये एक प्यारा सा टेबल और दो चेयर हैं, जहाँ पर बैठ के मुझे ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर पालक है जो कि मैंने लगाई है, ताकि मैं फ्रेश प्लक करके उसको अपनी स्मूदीज में या फिर खाने में यूज़ कर सकूं। तो ये मेरा है पालक। लेमन ग्रास चाय में अगर डालना हो तो ये है पान, अगर किसी को पान खाना हो तो यहाँ से फ्रेशली तोड़ के खाया जा सकता है। मुझे मंडला आर्ट बहुत पसंद है, तो मैंने इसको पूरा, अगर आप देखोगे तो पेंसिल से अभी ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये है मेरे प्ले कार्ड्स कॉमिक आर्ट के। मैं 2019 में यूरोप गई थी, ये मैं वहाँ से लाई थी, और ये वाले जो कार्ड्स हैं ये बेसिकली म्यूजिशियंस के हैं। और ये है मेरा यूकुलेले, इसको बजाना मुझे बहुत पसंद है। पेंटिंग का बड़ा शौक है, तो मैं फर्नीचर भी पेंट कर देती हूँ अगर मेरा मन करता है तो। ये बर्ड्स हैं जो मैंने आज से 10 साल पहले बनाए थे, और मेरी नानी ने मुझे ये सिखाए थे। अब मेरी किचन में है मेरी रमा दीदी, तो रमा दीदी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है। तो ये रहा पोहा जो कि आज हम नाश्ते में खाने वाले हैं। लंच में मेरे लिए बनी है भिंडी, जिसे मैं लंच में खाऊंगी, और दही के साथ, आज चपाती नहीं खानी है। और साथ में ये शाम के लिए थोड़ा सा दीदी ने पनीर सौते करके रखा है। तो ये जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ से मैग्नेट्स कलेक्ट करती हूँ। अभी सुबह सुबह एक फ्रेश एयर भी लेना बहुत ज़रूरी है, हम बहुत ज़्यादा अंदर अंदर बैठे हैं। तो फिलहाल चलते हैं मेरे टेरेस पर। तो ये है छत, मेरा छत, और यहाँ पर इतने खूबसूरत से बुद्धा जी हैं, और पीछे पहाड़ी हैं। यहाँ पर सुबह सुबह आके फ्रेश एयर लेने का अलग ही मज़ा होता है। टाइम हो गया है नाश्ते का, फिलहाल टाइम कम है क्योंकि अभी सेट पे भी जाना है, 9 बजे का मेरा कॉल टाइम है। मेरी पैदाइश तो हरियाणा की है, बिकॉज मेरी नानी वहाँ की थी, सोहना से। मेरी पढ़ाई जितनी भी है वो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। मैंने एक्टिंग के लिए अपना बेस शिफ्ट किया, एंड आई केम टू मुंबई फॉर एक्टिंग, और पिछले 10 सालों से मैं बॉम्बे में हूँ। लास्ट एक वेब सीरीज़ की थी अनकही अनसुनी, जो कि हॉटस्टार पे ही है। ये झुकी झुकी नज़र मेरा फर्स्ट सैटेलाइट शो है,
जिसमें मैं दिया माथुर प्ले कर रही हूँ, और अभी हम बस सेट पे पहुँचने वाले हैं क्योंकि सेट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है मेरा मेकअप रूम जिसको मैंने थोड़ा बहुत अपने घर की तरह बनाने की ही कोशिश की है। फिलहाल मैं स्वाति राजपूत से दिया रस्तोगी बन चुकी हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल रेडी हूँ शॉट पे जाने के लिए, बस तैयार ही हूँ। मेरी स्क्रिप्ट आ चुकी है और अब मैं अपने सीन की तरफ जाने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी दिनचर्या जानकर बहुत अच्छा लगा हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे और अच्छे से जानने का मौका मिला हो। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे शो को देखते रहिए। मैम ने जैसे कहा कि वो इंडियन आइडल देखती हैं, तो देखने के बाद आपसे गुजारिश करती हैं कुछ गाकर सुनाओ। गाना ही नहीं आता जी, तो क्या गुजारिश करें। दोनों को गाना नहीं आता जी। भगवान ने वो स्किल नहीं दी कि गाना गा सके। वो सिर्फ सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। तो आप सुनाती हैं? नहीं, जो स्किल ही नहीं है तो सुनाते ही हैं, बट टीवी की सुनते हैं और ये कहते हैं बहुत अच्छा गाया इन्होंने, बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, सिर्फ गाना नहीं, कुछ और भी सुनाती हैं। वो सुनाती रहती हैं। वो जन्म सिद्ध अधिकार, वो तो लेडीज का जन्म सिद्ध अधिकार है सुनाना। तो बात महिलाओं की छिड़ गई है, तो महिलाओं को जहाँ ज्यादा इंटरेस्ट होता है वैसी एक कहानी आपके लिए। परमेश्वर यूं ही थोड़ी कहा जाता है, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या हो सकता है कि जब वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, उस वक्त उसका पति उसके साथ है और उसकी सेवा कर रहा है। कान्हा जो परेशान है सयोरी की ऐसी हालत देखकर, फिर देखिए अपनी पत्नी को वो अब ठीक होते देखना चाहता है, फिर वो सयोरी के पैर भी दबाएगा, और इसमें हर्ज भी क्या है, जब पत्नी पति के पैर दबा सकती है तो पति क्यों न दबाए भला। थोड़ा डिफेंसिव हो गया सयूरी को लेकर, क्योंकि उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस बात का। वो बीमार पड़ गई थी, बेहोश हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर था उसे, तो ही इज़ ट्राइंग टू बेसिकली प्रोटेक्ट हर। और एट द सेम टाइम धनराज जी और दद्दू उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पति ने इतनी सेवा की है तो उस सेवा का फल भी मिल गया। देखिए सयूरी अच्छी हो गई, ठीक ठाक हो गई और घर भी आ गई। इस सयूरी को सब देखकर खुश हुए क्योंकि सासू माँ के अलावा सभी उसे प्यार करते हैं, इस घर का हिस्सा मानने लग गए हैं। पापा, वैसे डॉक्टर ने कहा तबीयत खराब होने की सिर्फ दो वजह है, टेंशन और स्ट्रेस। तो हमें दोनों चीजों को अवॉइड करना, घर के काम को थोड़ी बहुत समझो करना चाहिए।
बहु काम करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन ये सिर्फ काम करने। अब इस बात पर एक्शन जरूर लिया जाएगा कि भाई ये बहुरानी घर लाए हैं, नौकरानी नहीं, तो उससे इतना काम कराना ठीक नहीं है। इस पर तो सासू माँ की क्लास खूब ली जाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और बॉबी मधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारा प्रोग्राम देखती हैं कि नहीं सास दोर सास देश? साथ देखती हूं, ये हमारे साथ देखती हैं। हां जी, घर पे होती है ना उस टाइम हमारे पास, तो ये हमारे साथ ही देखती है। अच्छा, आपके साथ ही देखती है। हां जी, उसका सबसे बड़ा मजा ये है जी कि वो जो 2:30 बजे आपके प्रोग्राम आते हैं नहीं जी, उसमें ये पता हमें ज्यादा ये रहता है कि अभी इस सीरियल में क्या होगा क्या होगा। वो 2-3 सीरियल देखते हैं तो वो जरूर उसका फिर इंटरेस्ट रहता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने कहा कि हम आपको बताते हैं कि कौन से सीरियल में क्या होने वाला है, तो आज भी बताएंगे ना। देखिए, पहले से ही जानते थे कि ऋषि और मलिष्का की सगाई किसी भी कीमत पर नहीं होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि सगाई नहीं होने की वजह खुद ऋषि की मां बन जाएगी। नीलम दिल से चाहती है कि ऋषि और मलिष्का की सगाई हो जाए, और लक्ष्मी आकर क्योंकि उसे रोकने की कोशिश करती है, तो ऑफ कोर्स नीलम का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, और वो किसी भी तरह से करके लक्ष्मी को वहाँ से भगाना चाहती है, हटाना चाहती है, सो दैट्स पीसफुली और आराम से सगाई हो जाए। जैसे ही ऋषि मलिष्का को अंगूठी पहनाने जा रहा था, लक्ष्मी की आवाज़ उसने सुनी। चाह रहा हूँ कि एक बार सब लोग लक्ष्मी की बात सुने जो वो कहना चाहती है। तो मॉम, मेरी जो मम्मी हैं वो ऊपर जाती हैं स्टेयर से लक्ष्मी से बात करने के लिए, लेकिन वो एक सीढ़ी पे स्लिप हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है, तो सगाई ऑटोमेटिकली रुक गई। जहाँ पर लक्ष्मी और उसके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था, अब इतने में बीच में मम्मी जी आ गई जो सीढ़ियों पर न जाने क्यों पहुँच गई, और फिर क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बलविंदर ने सीढ़ियों से गिरने का प्लान लक्ष्मी के लिए बनाया था, लेकिन गिर गई लक्ष्मी की सासू माँ। अब सासू माँ लक्ष्मी के लिए जो भी बुरा सोचता है ना, सबसे पहले उसके साथ बुरा होता है। अब वो अलग बात है कि सीढ़ियों पर से आप जब गिरेंगी तो भाई इसका पूरा ब्लेम लक्ष्मी पर डाल देंगी, ये तो अक्सर होता चला आया है, इसमें कौन सी नई बात है। तो ऑफ कोर्स अभी राइट नाउ तो क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ ही है, तो अभी उसको सोचने का मौका नहीं मिला है, बट आई एम श्योर वो इस बात पर जब दिमाग लगाएगी तो वो समझ जाएगी किसने ये किया है। जैसे ही लक्ष्मी की सास सीढ़ियों पे से नीचे गिरी, जैसे सगाई में हंगामा मच गया, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अब ऋषि अपनी माँ से कितना प्यार करता है, उसने अपनी माँ को गोद में उठा लिया और वो सीधे अस्पताल की ओर भागेगा। अब मलिष्का को तो यहाँ एक और मौका मिल जाएगा, वो तो यही कहेगी कि देखिए मैं तो हमेशा से कहती थी कि लक्ष्मी ऋषि के लिए अलक्ष्मी है, अब शकुनी है, जब जब वो उसके पास रहती है कोई न कोई बड़ा हादसा हो जाता है। देखना ये होगा क्या इस बार ऋषि भी लक्ष्मी को ब्लेम करता है, या फिर मलिष्का का मुंह वो बंद कर देगा। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।